हेलो एवरी वन लेट्स नाउ स्टार्ट विद एक्टिविटी वन पॉइंट वन सो इट्स इज टेक टू पोर्टेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड कीव वन इन द डार्क फॉर सेवेंटी टू आवर्स एंड द अदर इन सन एक प्लांट को आपने डार्क में रखना है ब्लैक बॉक्स में डाल के रखना है और दूसरे प्लांट को आपने सनलाइट में रखना है और आपने देखना है आयोडीन टेस्ट करके आयोडीन टेस्ट क्या होता है कि ना इसमें क्या करना होता है आपने कि आपकी एक पत्ती तो आप उसमें से लोगे जो सनलाइट वाली होगी दूसरी पत्ती आप वो लोगे जो आपने डार्क में रखा था और फिर आयोडीन टेस्ट करोगे आयोडीन क्या बताता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है तो होगा क्या अगर तो ब्लू ब्लैक कलर हो गया उसका लीफ का तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट था उसने अपना फोटोसिंथेसिस कर लिया लेकिन अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होता तो इसका मतलब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च प्रेजेंट नहीं था ठीक है तो ये एक टेस्ट होता है जो आप कर सकते हो अपने घरों पे भी आयोडीन लो और चेक करो कि किस में स्टार्च प्रेजेंट है और किस में नहीं है रिजल्ट क्या आता है ब्लू ब्लैक कलर नेक्स्ट देखते हैं लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल अभी हमने पढ़ा था कि जो ग्रीन कलर की लीव्स होती है उनके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है लास्ट मतलब हमने वीडियो में पढ़ा था कि उसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है ग्रीन पिगमेंट होता है बट और भी तरह के पिगमेंट्स होते हैं जैसे रेड कलर ब्राउन कलर पर्पल कलर तो ये सारी चीज़ें क्या कर लेती हैं मास्क कर लेती हैं ग्रीन कलर को मतलब ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं ये वाले कलर्स तो इस वजह से हमें वो ग्रीन कलर नहीं दिख पाता तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है क्लोरोफिल ज़रूर प्रेजेंट है उसके अंदर यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ट्स और स्टागनेंट वाटर बॉडीज जो रुका हुआ पानी होता है उसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ग्रीन ग्रीन कलर आ जाता है तो वो जो ग्रीन ग्रीन कलर होता है वो क्या होता है एल्गी और एल्गी क्या कंटेन करता है क्लोरोफिल क्योंकि एल्गी एक स्मॉलेस्ट प्लांट है हमारे लिए या उसको हम ऑर्गेनिजम भी बोलते हैं वो भी अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है क्योंकि उसके पास भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो अगर क्लोरोफिल है तो वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स अभी तक हमने ये पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस से क्या मिलता है हमें कार्बोहाइड्रेट्स मतलब प्लांट्स को क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस, इस पार्ट में से कि कार्बोहाइड्रेट्स किसका बना हुआ है उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है तो ये तीन एलिमेंट से मिल के हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है दीज आर यूज टू सिंथिसाइज अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटैंस विच कंटेन नाइट्रोजन तो हमारा जो आ, क्या बोलते हैं नाइट्रोजन होता है सॉरी प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स होते हैं ये किससे निकल के आते हैं कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन्स किससे बने होते हैं हमारे दे आर नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस तो अब उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हमसे फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑफटेन नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन इनको कहाँ से मिलता है बैक्टीरिया से मिलता है एक राइजोबियस बैक्टीरिया होता है सॉइल के अंदर उससे इनको नाइट्रोजन मिलती है तो नाइट्रोजन में नाइट्रोजन अगर उसके अंदर प्रेजेंट होगी तो उन प्लांट्स को क्या मिल पाएगा प्रोटीन्स सो इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं फर्टिलाइजर्स एड ऐसे करते हैं जो रिच हो नाइट्रोजन में ताकि उनका जो प्रोटीन की पावर है वो फुलफिल हो सके प्रोटीन और विटामिन मिल सके उस प्लांट को तो रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर हाउर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म एक्चुअली में होता क्या कि हमारे एटमोसफेयर में नाइट्रोजन तो बहुत सारा है लेकिन प्लांट्स उसका इनटेक नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि वो जो नाइट्रोजन है वो उनके काम की नहीं है उनको चाहिए होती है गैसी, गैसियस नाइट्रोजन चाहिए होती है तो इस वजह से सॉरी गैसियस नाइट्रोजन नहीं चाहिए होती है उनको एक यूजेबल फॉर्म चाहिए होती है जिससे कि वो उसे यूज़ करके अपना काम निकाल सके तो गैसियस फॉर्म नहीं चाहिए उनको चाहिए कोई और फॉर्म की नाइट्रोजन जिससे कि वो अपना काम चला सके दीज आर ऑब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद देयर अदर कॉन्स्टिट्यूएंट प्लांट्स कैन देन सिंथिसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि फर्टिलाइजर्स ऐड ऐसे करते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन हो और नाइट्रोजन होगा तो उससे क्या होगा प्लांट्स हमारे प्रोटीन्स भी बना पाएंगे विटामिन भी बना पाएंगे तो अगर सॉइल में मान लो वो वाला बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि उनको फुलफिलमेंट फुलफिलमेंट हो जाए उनके न्यूट्रिएंट्स की पूरा हो जाए सो so, यस yes. दिस इज़ द पार्ट नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अब हम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रीशन इन प्लांट्स अब और भी कुछ टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं प्लांट्स में एक तो हमने पढ़ लिया कि ह्यूम्स और एनिमल्स किस पर डिपेंडेंट होते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड पर लेकिन अब हमारे कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो होस्ट बन के काम करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सेफ्रोफाइट्स होते हैं तो उनके बारे में पढ़ते हैं एक प्लांट होता है कस्कटा कसकटा या उसको आप अमर बेल के नाम से भी जानते हो तो जो कसकटा होता है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो अब वो का खाना कहाँ से लेगा सो so, वो कैसे क्या, क्या करता है वो ना दूसरे प्लांट्स को क्लाइम करने देता है अपने ऊपर होस्ट बन जाता है होस्ट क्या होता है जैसे आपने मान लो कोई पार्टी रखी है तो आप क्या हो होस्ट हो तो आप दूसरे लोगों को बुला रहे हो ऐसे ही ये कसकटा प्लांट भी करता है दूसरे लोगों के ऊपर क्लाइम करके चढ़ चढ़ के चला जाता है ताकि उनसे क्या ले सके न्यूट्रिएंट्स ले सके द ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट किसी के घर बिन बुलाया मेहमान बन के ये चला जाता है ठीक है और सिंस इट डिप्राइज द होस्ट ऑफ़ वैल्यूएबल न्यूट्रियट्स कसकटा इज ऑल्सो कॉल्ड द पैरासाइट कसकटा को हम पैरासाइट भी बोलते हैं पैरासाइट वो होते हैं एनिमल्स जो दूसरों से खाना चुरा के खाते हैं एक तरीके से तो यहाँ पे हमारे पास ये अमरवेल इन्होंने दिखाया हुआ है दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स ले सके क्योंकि ये खुद अपना खाना नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट नहीं है क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं हैव यू सीन और हर्ड ऑफ दैट कैन ईट एनिमल्स कभी ऐसे क्या प्लांट्स के नाम सुने है? जो आ, इंसेक्ट्स खा जाएं या एनिमल्स ही खा जाए तो ऐसे ज़रूर होते हैं आपने सुना भी होगा देखा भी होगा ये देखो ये पिक्चर प्लांट बोलते हैं इसको तो ये करता क्या है यहाँ पे ना इसके लिड होते हैं लिड मतलब ढक्कन ढक्कन के मतलब ये जो पार्ट है इसके अंदर ये खाली जगह है यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं या कुछ ऐसी इनका मटेरियल होता है जिससे कि ये खाना हजम कर लेते हैं तो होता क्या है जैसे ही इसके अंदर मान लो इंसेक्ट आके बैठा ये क्या करेगा अपना ढक्कन बंद कर लेगा और इसके जो अंदर का स्टमक होता है या जो भी पार्ट होता है तो वो क्या करता है चबा लेता है फिर उसको तो ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो बाहर से चीज़ों को खाते हैं इंसेक्ट्स भी खाते हैं इवन सो सच प्लांट्स में भी ग्रीन और सम अदर कलर लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6 पॉइंट सिक्स द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म सलेट विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर तो ये लेड जैसे मैंने आपको बताया था ये ढक्कन की तरह होता है बंद हो जाता है जैसे कोई इंसेक्ट आके इसके अंदर बैठता है इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स वेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर द लेड क्लोजेस अब क्या होता है जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे इंसेक्ट आके बैठेगा उसके अंदर और वो अपना ढक्कन बंद कर लेगा तो वो उसी जो बाल होते हैं उसके अंदर उसी में फंस के रह जाता है और जो इंसेक्ट होता है वो डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से एब्जॉर्ब हो जाता है अंदर ही और ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट जो खाएँ या हो सकता है एनिमल भी आके इसके अंदर फंस जाए कोई छोटा सा एनिमल लेकिन बड़े एनिमल तो नहीं आके फंस सकते इसमें छोटा सा ही होता है बिल्कुल साइज़ में अभी बड़ा लग रहा है लेकिन होता बहुत छोटा सा ही सैफ्रोट्रॉप्स होते हैं नेक्स्ट है आपके सेफ्रोट्रॉप्स सेफ्रोट्राप्स वो वो एनिमल्स होते हैं सॉरी वो प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर आके बैठ जाते हैं या बन जाते हैं खुद ही उग जाते हैं डिकेड मटेरियल्स के ऊपर खुद ही उगने लग जाते हैं जैसे आपने मशरूम्स के बारे में सुना होगा तो मशरूम भी एक टाइप ऑफ सैफ्रोफाइट्स हैं क्योंकि वो क्या पसंद करते हैं डिकेइंग मटीरियल के ऊपर आके खुद ही अपने आप को उगा लेते हैं उनको ऐसा ही माहौल चाहिए जिसमें वो सर्वाइव कर पाए ऐसा ही मतलब गंदा सा पार्ट या मोहन सा पार्ट चाहिए जिसमें वो सर्वाइव कर पाते हैं अब एक एक्टिविटी होती है एक्टिविटी क्या है कि आप एक ब्रेड लो और ब्रेड को थोड़े दिन पानी में डाल के मतलब हल्के से पानी में डाल के एक डब्बे में बंद करके रख दो तो होगा क्या उसके ऊपर पूरी फंगाएँ आ जाएगी हो सकता है आपने देखा भी हो ग्रीन ग्रीन हो जाती है येलोइ सी हो जाती है फंगा आके तो ये फंगाई भी हमारा क्या है एक सेफ्रोट्रॉफिक है जा, जैसे ही उसको कोई ऐसी जगह मिली जैसे काली सी जगह मिली और डिकेइंग मैटर मिला तो वो क्या होगा वहीं पे उगना शुरू हो गई फंगाई तो उसको हम क्या बोलेंगे सेफ्रोट्रॉफ्स सेफ्रोट्राफ्स वो होते हैं जो डेड एंड डेइंग मैटर के ऊपर आके सर्वाइव करते हैं सो यस फंगा इज़ देअ और ये मशरूम हो गया आपका ऐसे ही कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पसंद करना चाहते हैं हॉट और ह्यूमिड वेदर सो फंगाई ऑल्सो ग्रोज ऑन पिकल पिकल मतलब अचार के ऊपर भी आ जाती है लेदर के ऊपर भी आ जाती है क्लोथ्स के ऊपर भी आ जाती है आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे पॉइल मेनी थिंग्स आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मिनस ऑफ फंगाई इन योर हाउस आपके घरों में भी ऐसा जरूर हुआ होगा आपने भी देखा होगा कि फंगल फंगल uh, स्पोर्स कैसे उगते हैं ठीक है वेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉल्ट मतलब वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि फंगाए से हम कैसे बच सकते हैं कि फंगाए ना लगे किसी चीज पे तो हम उसे कैसे बचाएँ तो एक तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट से बचाना पड़ेगा जो भी चीज़ें खराब हो जाती हैं जल्दी जैसे कि हमारा जो भी सामान होता है हम किस में रखते हैं फ्रिज में रखते हैं क्योंकि वो उसको क्या करता है ठंडा करके रखता है अगर हम बाहर ही रख देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा हमारा सामान उसके ऊपर फंगा आ जाएगी तो इसी तरह तरीके से आप उसको बचा सकते हो सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स अब एक और टाइप के होते हैं एक और टाइप के कौन से सिम्बायोसिस करने वाले सिम्बायोसिस में क्या होता है कि एक दो ऑर्गेनिजम्स होंगे दो ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपना शेल्टर देगा एक एक अपने न्यूट्रिएंट्स देंगे तो एक्सचेंज करते हैं वो दोनों चीज़ों को तो कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो क्या कर रहे हैं शेयर कर, है. तो कर रहे हैं तो शेयर कर वाले को क्या बोलते हैं हम सिम्बायोसिस जैसे कि फंगा लिव इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स प्लांट्स की रूट्स में रहती है ये प्लांट्स क्या प्रोवाइड कर रहा है उसको न्यूट्रिएंट्स और फंगस क्या प्रोवाइड कर रही है वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स तो देखो ये हो गया सिम्बायोसिस रिलेशन कि मतलब प्लांट ने क्या प्रोवाइड किया न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए फंगस को और फंगस ने क्या प्रोवाइड किया वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स तो ये सिम्बायोसिस रिलेशन होता है इसका नेक्स्ट है इन ऑर्गेनिजम्स कॉल लाइक ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एलगा एंड इन रिटर्न द एलगा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस सो ये भी रिलेशन बताया इन्होंने एक आपको एल्गा और फंगस का वो साथ में क्यों रहना पसंद करते हैं और उसको लाइकेंस क्यों बोलते हैं क्योंकि फंगस क्या प्रोवाइड कर रही है शेल्टर वाटर और मिनरल्स टू द एलगा और एल्गा क्या प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए फूड क्योंकि फंगस खाना तो बना नहीं सकते अपना तो वो क्या करेगा एल्गा प्रोवाइड करवाएगा फंगस को इस रिलेशन को क्या बोलेंगे सिम्बायोसिस नेक्स्ट है टॉपिक आपका हाउ न्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिय रिप्लेनिस्ड इन द दॉयल मतलब न्यूट्रिएंट्स कैसे डाले जाते हैं तो जैसे कि आपको पता है मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि फ़र्टिलाइजर्स और मैन्योर्स डाले जाते हैं ताकि हम न्यूट्रियट लेवल्स बढ़ा सकें किसी भी अगर आपको सॉइल का न्यूट्रिय लेवल बढ़ाना है तो आप क्या यूज़ करते हो फर्टिलाइजर्स और मिनरल्स तो इससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं सॉयल को सॉयल के न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर प्लांट्स और हेल्दी चीज़ें उगा सकते हैं आसानी से और जो भी उगेगा उसके ऊपर जो भी प्लांट उगेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, उसके अंदर हमने क्या ऐड किए हैं न्यूट्रियन्ट्स सो यूजली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉयल बिकम डेफिशेंट इन नाइट्रोजन यू लर्न दैट थ्रो नाइट्रोजन गैसेज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide they need nitrogen in a soluble form the bacterium called rhizobium can take nit atmospheric nitrogen and convert it into a usual form usable form sorry but rhizobium cannot make its own food so it often lives in the root of gram peas mung beans and other legumes and provides them with nitrogen in return the plant's In return, the plants provide shelter and shelter and food to the bacteria. Thus, they have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. तो अब जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है सॉल्यूबल फॉर्म में क्योंकि ना जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो है तो वो तो डायरेक्ट ले ली उन्होंने लीव्स ने लेकिन जो हमारे रूट्स होते हैं वो डायरेक्ट नहीं ले सकते नाइट्रोजन को उनको क्या चाहिए एक सॉल्यूबल फॉर्म चाहिए तो सॉल्यूबल फॉर्म कौन कन्वर्ट कर सकता है सिर्फ बैक्टीरिया और बैक्टीरिया जैसे ही सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा उसको वैसे ही रूट्स को नाइट्रोजन मिल जाएगी और नाइट्रोजन मिल जाती है उसको राइज़ोबियम से राइज़ोबियम को क्या मिलता है शेल्टर मिलता है फूड मिलता है किससे प्लांट से तो ये भी कैसा रिलेशन हुआ सिम्बायोटिक एक दे रहा है एक हाथ से ले रहे हैं ठीक है तो इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन और सिम्बायोसिस भी बोलते हैं ये देखो ये इसकी डेफिनेशन है सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर शेयर बोथ and एंड न्यूट्रिय कॉल्ड सेम्बायोसिस तो डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेना और नेक्स्ट है आपका डेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर फर्टिलाइजर्स वी आर लेग यू मिनस प्लाट्स आर ग्रोन लेग्यून मिनस प्लांट्स वो होते हैं जैसे पलसेज हो गए दाल हो गई यहाँ पर भी बहुत सारे बताए थे इन्होंने ग्राम पीस मूंग बीन्स एंड अदर लेग्यूम जो भी दालें होती हैं बेसिकली उसके अंदर तो बहुत सारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है क्योंकि उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहना पसंद करते हैं इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लाट्स आर ऑर्डर रॉफ्स

और खुद भी खाना बना सकते हैं वो लेकिन इंसेक्ट्स खाना भी पसंद करते हैं क्योंकि उनकी वन ऑफ द प्रॉपर्टी है तो पार्शियल बोला जा सकता है उनको ठीक है डिपेंड भी है एनिमल्स के ऊपर थोड़ा सा और खुद भी खाना बना सकते हैं सो यस हमने बहुत कुछ सीखा इस चैप्टर से जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स क्या है हेट्रोट्राफ्स क्या है रिलेशन सीखे हमने सिम्बायोटिक रिलेशन हमने सेफ्रोट्राफ्स के बारे में सीखा हमने पैरासिटिक के बारे में सीखा तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि यही हमारा बेस है ठीक है तो अच्छ अच्छे से सीखना और इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना जैसे यहाँ पे भी कीवर्ड्स दिए हुए हैं आपके इसको भी आप याद कर सकते हो कीवर्ड्स को भी याद कर सकते हो स्पेलिंग्स अच्छे से याद करो और ये रहा आपका इम्पोर्टेंट पार्ट कीवर्ड्स दिए हुए हैं आपको अच्छे से इसको भी रीड करना और फिर आपकी एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी उसमें आप उसको चेक कर लेना थर्ड पार्ट में डालूंगी उसको ठीक है अभी के लिए इतना ही हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया सो यस थैंक यू फॉर वॉचिंग